नोटबंदी के 50 दिन लगभग समाप्त होने को हैं। इस दौरान पुरानी करेंसी को जमा कराने या नई करेंसी को प्राप्त करने के लिए जनता ने जो कष्ट झेले वो सभी को भलीभांति विदित है। प्रारंभ से आज तक मेरा ये मानना रहा है कि यदि सरकार मात्र 2000 रुपये के आपसी लेन देन के लिए 500 रुपये के नोट को 25 दिसंबर तक चलन में रहने देती तो प्रत्येक व्यक्ति को लाइन में लगकर 4000 रुपये बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ती और बैंकों पर इस कार्य का बड़ा बोझ नहीं पड़ता। फिर भी जनता ने इस कठिनाई को जिस धैर्य से सहा वह सराहनीय है, लेकिन इसके विपरीत देश में भ्रष्ट लोगों की भी कमी नहीं है। टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि सरकार द्वारा मारे गए छापों के दौरान देश में विभिन्न स्थानों पर अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए की नई करेंसी थोक में पकड़ी गई है। जरा सोचिए, यदि ये 500 करोड़ रुपया प्रत्येक व्यक्ति को 4000 रुपये के अंश में बांटा जाता तो 12.5 लाख लोगों के हाथ में यह रकम पहुंचती। मेरे कई दोस्त वकील हैं, मैंने उनसे इस जब्त 500 करोड़ रुपए के बारे में चर्चा की तो उन्होंने ये कन्फर्म किया कि कानून के अनुसार ये 500 करोड़ रुपया पुलिस प्रॉपर्टी के रूप में पुलिस कस्टडी में जमा रहेंगे। मेरा सरकार व न्यायपालिका से ये निवेदन है कि एक विशेष कानून के अंतर्गत इस जब्त 500 करोड़ रुपए को पुलिस खजाने से निकालकर बैंक में जमा किया जाए ताकि नई करेंसी की कमी को दूर किया जा सके।